सिवनी जिले के आदिवासी कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले छपारा विकास खंड के बरबसपुर शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ बीमार शिक्षक राजकुमार ध्रुवे की आदिवासी विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही की वजह से 29 अगस्त को मौत हो गई थी। छपारा बीआरसी और डीपीसी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों द्वारा 27 अक्टूबर 2015 से 7 फरवरी 2019 तक स्कूल में अनुपस्थित रहने की वजह बताकर निलंबित कर दिया गया था। निलंबित के बाद शासकीय नियमों के तहत शिक्षक को जीवन निर्वहन भत्ता के रूप में आधा वेतन हर माह देना चाहिए था, लेकिन शिक्षक को वह राशि नहीं दी गई। ऐसे में मानसिक तनाव के चलते शिक्षक बीमार हो गया और फिर उपचार के अभाव में उनकी 29 अगस्त को मौत हो गई। छपारा बीआरसी कार्यालय और सहायक संयुक्त अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अप्रैल माह तक शिक्षक के खाते में जीवन निर्वाहन भत्ते की राशि खाते में डाली गई है, लेकिन वहीं मृतक की पत्नी और परिजनों का साफ कहना है कि उनके खाते में जीवन निर्वहन भत्ते की कोई राशि नहीं डाली गई है। वहीं मृतक शिक्षक के परिजनों का खुला आरोप है कि मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए घनसौर क्षेत्र में पदस्थ कर दिया गया था। उपचार के अभाव में शिक्षक की मौत का मामला सामने आने के बाद अब सहायक आयुक्त एसएस मरकाम अपने विभाग में निलंबित पड़े शिक्षकों की फाइल की सुध आ गई है। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। मुझे कल बताया गया था, मैंने तत्काल संबंधित डीडीओ से बात किया और उनके जो क्लरिकल स्टाफ है उनसे मैंने बात किया। उनके द्वारा बताया गया है कि वो निलंबन हुआ था 2019 में और उनको जीवन निर्वाह भत्ता जो है अप्रैल माह तक दिया गया है। मई और जून का 27 तारीख को इन्होंने बिल जनरेट किया है और फिर भी इसके बावजूद भी मैंने मेरे कार्यालय से एक टीम बना दिया है क्षेत्र संयोजक की अध्यक्षता में कि इसके पूरे प्रकरणों में जाँच करके मुझे एक रिपोर्ट दें। ये सारे प्रकरणों की जांच करके जब प्रतिवेदन प्राप्त होगा तभी मैं इस पर बता पाऊँगा। हाँ बोले, आपका नाम? मेरा नाम गोमती ध्रुवे है। पति का नाम? राजकुमार ध्रुवे। वो कहाँ पदस्थ थे? बरबसपुर। अच्छा, उनको मतलब कितने साल पहले उनको सस्पेंड कर दिया गया? एक साल पहले। उसके बीच में कोई पैसा मिला? कोई वेतन ना, कोई भत्ता, कोई पैसा, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। और आपके मतलब आपका पति का जैसे वहाँ से सस्पेंड हुए थे तो उसके बाद आपके पति का व्यवहार कैसा था? कि आके मतलब घर में परेशान रहते थे या फिर शांत रहते थे? कुछ तो बताते रहेंगे आपको। परेशान रहते थे। अच्छा, उनको जैसे बीच में बीमार भी पड़ते थे? बीच में बीमार पड़ते थे ना वो? और उनका निधन कब हुआ? 29 तारीख। हाँ, देखिए सर, ये गांव की जनता है और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं गणाराम ध्रुवे, मेरे चाचा जी हैं वो, जिनको एक साल पूर्व ना कोई पैसा मिला ना कोई भत्ता मिला, एक साल पहले उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको अटैच घनसौर में कर दिया गया था, जिसके कारण उनको मानसिक रूप से बहुत तनाव में रहते थे, वो परेशानी आती थी और उनके घर में अब ऐसी हालत हो गई है कि ना उनके घर में बिल्कुल खाने को दाना नहीं है, परेशान है। उसका एक बालक है अभी प्रेजेंट में, एक लड़की भी है उनकी, ना मैरिज नहीं हुई है। और देखिए आप, इस गाँव के सभी लोग बैठे हुए हैं। और हम लोग शासन से यही गुजारिश करते हैं कि कृपया कर उनको सहायता प्रदान करें। जी, मेरे ग्राम चूना पानी रैयत बंजर की यही है। उसका परिवार में स्वर्गीय शिक्षक की पत्नी का कहना है कि उनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई और उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। एस ग्रेसिया की राशि भी जो है 24 घंटे के अंदर दी जानी थी, वो भी उसको नहीं दी गई आज तक। निर्वाह भत्ता भी उसको दिया जाना हर कर्मचारी को बहुत जरूरी है। मिला कि नहीं मिला? हुँ? शिक्षक को मिला कि नहीं मिला? नहीं, शिक्षक को उनकी पत्नी का कहना है कि आज तक उनको किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। मानना कि ये इस प्रकार की कार्रवाई बिल्कुल बंद होना चाहिए। निलंबन किसी समस्या का समाधान नहीं है। शिक्षक की काउंसलिंग होना चाहिए और शिक्षक को जो है समझाना चाहिए कि वो क्यों काम नहीं कर पा रहा है।
इसके लिए सरकार ने पूरी टीम गठित की हुई है, वो टीम को अपना काम करना चाहिए। तो मुझे कल बताया गया था, मैंने तत्काल संबंधित DDO से बात किया और उनके जो क्लरिकल स्टाफ हैं उनसे मैंने बात किया। उनके द्वारा बताया गया है कि वो निलंबन हुआ था 2019 में और उनको जीवन निर्वाह भत्ता जो है अप्रैल माह तक दिया गया है। मई और जून का 27 तारीख को इन्होंने बिल जनरेट किया है और फिर भी इसके बावजूद भी मैंने मेरे कार्यालय से एक मैंने एक टीम बना दिया है क्षेत्र सेवा जत की अध्यक्षता में कि इसके पूरे प्रकरणों में जांच करके मुझे एक रिपोर्ट दे। ये सारे प्रकरणों की जांच करके जब प्रतिवेदन प्राप्त होगा तभी मैं इस पर बता पाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।